कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए नोएडा में जिला अधिकारी के नेतृत्व में जनपद की सभी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के माध्यम से राशन वितरण किया गया, ताकि लॉकडाउन के दौरान सभी पात्र लाभार्थियों को आसानी के साथ राशन उपलब्ध हो सके। वर्तमान तक जनपद की सभी राशन की दुकानों पर नगर क्षेत्र में 73% और ग्रामीण क्षेत्रों में 49% राशन वितरण हो चुका है। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सभी आने जाने वाले पात्र लाभार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराने के उपरांत राशन वितरण कराया गया। इस कार्य में जनपद के पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जनपद की पुलिस सभी राशन की दुकानों पर सराहनीय सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि सभी लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से राशन उपलब्ध हो सके। डीएम सुहास एलवाई ने समस्त पात्र लाभार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को राशन प्राप्त होगा, अतः कोई भी लाभार्थी राशन की दुकानों पर पैनिक ना करे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपना राशन आसानी और धैर्य बनाते हुए प्राप्त करे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से सभी जनपदवासियों को सुरक्षित रखा जा सके।